गाइज मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं डेक्स मिनी यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो कितने टाइप की ट्रेनिंग कराती है। अभी तक आपने बस यही सुना होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया माइंडसेट बदलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो कितने टाइप की ट्रेनिंग देती है, तो वो जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि गाइज अभी तक आप बस ये जानते हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही होती है जो बी फार्मा डी फार्मा वाले करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो सभी के लिए ही ट्रेनिंग देती है, तो आप सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो जाओगे। गाइज आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो तीन टाइप में कैटेगराइज की गई है ट्रेनिंग के लिए। पहला जो है वो है स्किल ट्रेनिंग, दूसरा है सेमी स्किल ट्रेनिंग और तीसरा है नॉन स्किल ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कौन कौन स्किल ट्रेनिंग में आते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग में वो बंदे आते हैं जो स्किल्ड होते हैं, फार्मासी रिलेटेड स्किल्ड होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, फॉर्म डी। जो फार्मा से रिलेटेड होते हैं वो स्किल ट्रेनिंग में आते हैं गाइज, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो एनपीएस से होती है। एनपीएस बेसिकली एक वेबसाइट है, अगर वहां पे आप आईडी बनाते हैं उसके तहत ये गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें आपको पैसा आधा देती है, हाफ पैसा आपको गवर्नमेंट देता है, और आप ट्रेनिंग एक साल या दो साल कर सकते हैं, जिसको हम अप्रेंटिस भी बोलते हैं। तो अगर आपको आईडी बनाना नहीं आता, उस पर अगर मालूम नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं सेमी स्किल के बारे में। सेमी स्किल में कौन कौन आता है, तो गाइस आपको बता दें कि सेमी स्किल में डी फार्मा, बीएससी, बीसीए जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो आते हैं। जो आप अगर इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल से अगर जॉब करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आप कर सकते हैं, जिसमें काफी आईटी वगैरह में आपका जॉब लग जाता है, जिस नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं आप लोग, और उसके तहत ही आपका ट्रेनिंग होती है, और आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। चाहे आप बीए वगैरह एमबीए वगैरह किए हुए हैं तो आप नॉन टेक्निकल में आते हैं, जो फार्मा में रखे जाते हैं बेसिकली एचआर वगैरह, या आपको टेक्निकल वगैरह में रख दिया जाता है आईटी डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं इनकी आईडी कैसे बनती है। जो इनका आईडी बनता है वो बनता है एसडीपी पे। एसडीपी बेसिकली एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें हम स्किल डेवलप प्रोग्राम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको। एक साल या दो साल के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो। और गाइस आपका पैसा जैसे हमारा कंट्री बेसिस पे होता है, जैसे हम अप्रेंटिस में करते हैं वैसे ही आप भी करते हो, लेकिन आप एसडीपी कराते हो, दो साल एक साल आप कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होता है। तो नॉन टेक्निकल में वो लोग आते हैं जो 10 या 12th किए हुए होते हैं और उनको जॉब की नीड होती है। और गाइज वो बेसिकली काम क्या करते हैं, तो आपको बता दें कि वो गाइज बीएमआर लाना, बीएमआर को बनाना, या छोटा मोटा जो काम होता है इंडस्ट्री में ग्राउंडिंग वगैरह के लिए, तो वो काम ये लोग देखते हैं, और इनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी कौन तय करता है, इनका कौन ज्वाइन कराता है। तो गाइज इनका जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, जो हर कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनको ज्वाइन करते हैं, और इनकी सैलरी डेली बेसिस पे देते हैं, मंथली बेसिस पे देते हैं। तो गाइज इन सभी आईडी पे अगर आप बना लेते हो अपना अकाउंट और ढूंढ रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो आपको जल्दी से ट्रेनिंग मिल जाता है। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का, साथ में इस छोटे से फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।